हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद एतिमन। आज हम करने वाले हैं राजस्थान के इतिहास और संस्कृति में क्लास 10th के अंतर्गत राजस्थान के लोक नृत्य और लोक नाट्य। ये आपका चैप्टर नंबर 8 है। हम लोगों ने चैप्टर 7 जो है कंप्लीट कर लिए हैं, पूरे 7 चैप्टर। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप आरएएस तक की तैयारी कर रहे हो तब भी आप लोगों को ये चैप्टर पढ़ना ही पड़ेगा। तो चलिए, लोक नृत्य। राजस्थान विविध कलाओं के साथ साथ विभिन्न नृत्यों की भी रंगस्थली रहा है, क्योंकि विभिन्न कलाएं रही हैं यहाँ, तो नृत्य जो है वह भी रहे हैं। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, रंगीला राजस्थान। सरल हृदय ग्रामीणों द्वारा आनंद व उत्साह पूर्वक लय के साथ, तो ये जो लोक नृत्य हैं ये जन सामान्य द्वारा किए जाते हैं, तो जो ग्रामीणों द्वारा आनंद व उत्साह पूर्वक लय के साथ अंगों के साथ संचालन को क्या कहते हैं, देसी नृत्य कहते हैं। ठीक है, लोक नृत्य को देसी नृत्य भी कहते हैं, इन्हें लोक नृत्य भी कहा जाता है। लोक नृत्य में शास्त्रीय नृत्य की तरह ताल लय आदि का सख्ती से पालन नहीं होता है। तो जिस तरीके से हमने बात की थी लोक गीत की, तो जिस तरीके से शास्त्रीय गीत होता है उसमें रूल रेगुलेशन बहुत होते हैं, लेकिन उसमें नहीं होता है लोक गीतों में। इसी तरीके से लोक नृत्य यहाँ पर इतने ज्यादा लय ताल का ध्यान नहीं रखा जाता है, सख्ती का ध्यान नहीं रखा जाता है। इसे जो ग्रामीण परिवेश में लोग होते हैं वह जन सामान्य में जो भी क्रियाएं चल रही होती हैं, उत्सव चल रहे होते हैं, त्योहार चल रहे होते हैं, उसी पर आधारित जो है वो लोक नृत्य किए जाते हैं, तो किसी भी शक्ति का पालन नहीं होता है। सामान्य जन द्वारा रचे गए लोक नृत्यों में मानव जीवन का सहज चित्रण होता है। लोक उत्सव, पर्व, तीज, त्योहारों, मेले व लोकानुष्ठान आदि अवसरों पर रंग बिरंगी वेशभूषा, स्थान विशेष की परंपराओं के अनुसार लोक नृत्य की परंपरा सदियों से चली आ रही है। लोक नृत्यों पर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, सामाजिक बंधन इत्यादि का प्रभाव पड़ता है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि वहाँ जैसा स्थिति होगी, वहाँ का भौगोलिक या पर्यावरण जो है जिस तरीके का होगा, तो वहाँ लोक नृत्य जो है वह प्रभावी रहेगा। जैसा परिवेश वैसा ही लोक नृत्य। सुप्रसिद्ध कला मर्मज्ञ एवं उदयपुर के लोक कला मंडल के संस्थापक देवीलाल सामर, इन्होंने राजस्थान के लोक नृत्यों को उनके प्रचलन वाले क्षेत्रों की भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर 3 भागों में बांटा, पहाड़ी, राजस्थानी और पूर्वी मैदानों के लोक नृत्य। किसने बांटा लोक कला, उदयपुर के लोक कला मंडल के संस्थापक देवीलाल सामर ने। कुछ लोक नृत्य राजस्थान के क्षेत्र विशेष की पहचान बन गए, इनका वर्णन नीचे दिया जा रहा है, जैसे कि है गैर नृत्य। तो देखिए, सभी जो है हम लोग पढ़ चुके हैं, आरबीएससी की बुक हमने 6 से 10 तक कंप्लीट की, वहां हमने गैर नृत्य, घींदर नृत्य, तेरे ताली नृत्य, सभी नृत्यों के बारे में पढ़ लिया था। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल एक चैप्टर में केवल और केवल नृत्य जो है वो आपको पढ़ने को मिल रहे हैं, तो ये भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गैर नृत्य, गैर मेवाड़ और बाड़मेर क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई बार कि गैर नृत्य जो है वह कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है, तो मेवाड़ का और बाड़मेर क्षेत्र का। इसमें होली के अवसर पर पुरुष लकड़ी की छड़ियां लेकर गोल घेरे में नृत्य करते हैं। कौन करते हैं, पुरुष। गोल घेरे में नृत्य के कारण इसे गैर तथा गेर करने वाले गेरिये कहलाते हैं। मेवाड़ व बाड़मेर के गैर नृत्य की मूल रचना समान है, किंतु इनमें चाल व मंडल बनाने की क्रिया में अंतर होता है। इस नृत्य में प्रयुक्त प्रमुख बाद ढोल, बांकिया और थाली है। तो यहाँ बिल्कुल गैर नृत्य में आप लोगों को क्या याद रखना है, गैर नृत्य मेवाड़ और बाड़मेर क्षेत्र का प्रमुख लोक नृत्य है, पुरुषों द्वारा होली के अवसर पर किया जाता है, और प्रमुख वाद्य जो है इसमें ढोल, बांकिया और थाली है। अगला है घींदर नृत्य। यह कहाँ का प्रसिद्ध है, घींदर नृत्य शेखावटी क्षेत्र का, होली के अवसर पर भी किया जाता है घींदर नृत्य। शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध घींदर नृत्य होली के दिनों में 1 सप्ताह तक चलता है। नगाड़े की चोट पर पुरुष अपने दोनों हाथों में डंडों को परस्पर टकराकर नृत्य करते हैं। यह विशुद्ध रूप से पुरुषों का नृत्य
है। इस नृत्य में प्रयोग किए जाने वाले वाद्य यंत्र ढोल है, ढप है और चंग है। इसमें होली से संबंधित गीत गाए जाते हैं। कुछ पुरुष महिलाओं के वस्त्र पहनकर इसमें भाग लेते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, गणगौर कहा जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार के स्वांग किए जाते हैं, जिनमें साधु, शिकारी, सेठ सेठानी, दूल्हा दुल्हन, सरदार, पठान, पादरी, पाजीगर आदि प्रमुख हैं। ठीक है, तो जो गैर नृत्य है, गिन्नर नृत्य है, दोनों ही पुरुषों के द्वारा किया जा रहा है, दोनों ही होली के अवसर पर किया जा रहा है। थोड़ा सा याद रखना है, गैर नृत्य में वाद्य जो थे वो ढोल, बांकिया और थाली हैं, जबकि गिन्नर नृत्य में है ढोल, डप और चंग। ठीक है, और ये भी आपको याद रखना है कि कौन सा नृत्य है जिसमें पुरुष महिलाओं के वस्त्र धारण करते हैं और जिन्हें गणगौर कहा जाता है, उस नृत्य का नाम है गींदड़ नृत्य। तो वहां गैर नृत्य नहीं करिएगा, क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं, दोनों ही नृत्य होली के अवसर पर किए जाते हैं। तो गींदड़ नृत्य जो है यह सिखावटी का है, और गैर नृत्य जो है यह मेवाड़ और बाड़मेर क्षेत्र का है। अब है कच्ची घोड़ी नृत्य। ये नृत्य जो है व्यावसायिक नृत्य बन चुका है। कच्ची घोड़ी सिखावटी तथा कूचामन, पर्वतसर, डीनवाना आदि क्षेत्रों का प्रमुख व्यावसायिक लोक नृत्य है। यह विवाह के अवसर पर किया जाता है। तो आप लोगों ने भी देखा होगा कि घोड़ी की तरह जो है पुरुष जो है वो बन जाते हैं, वेशभूषा धारण करते हैं और फिर यह नृत्य करते हैं। तो यह कब करते हैं, विवाह के अवसर पर। इस नृत्य में ढोल थाली बजती है, नर्तक वीरोचित वेशभूषा धारण करके तलवार हाथ में लेकर काठ व कपड़े से बनी घोड़ी पर सवार होकर नृत्य करते हैं। तो आप लोगों ने मूवीज में या फिर सीरियल वगैरह में ये चीज देखी होगी। तो देखिए, हमने गैर नृत्य पढ़ा, गीनर नृत्य पढ़ा, कच्ची घोड़ी नृत्य पढ़ा, तीनों ही पुरुषों द्वारा किए जा रहे हैं। कच्ची घोड़ी नृत्य व्यावसायिक नृत्य है, गैर नृत्य और गीनर नृत्य कहाँ किया जाता है, गैर किया जाता है मेवाड़ और बाड़मेर में, गीनर नृत्य किया जाता है सिकावटी क्षेत्र में, और कच्ची घोड़ी नृत्य जो है यह है पर्वतसर, डीनवाना आदि क्षेत्रों में और सिकावटी में किया जाता है। चंग नृत्य, यह सिखावटी क्षेत्र में होली के दिनों में पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। तो जिस तरीके से सिखावटी क्षेत्र में गीनर नृत्य होता है, उसी तरीके से चंग नृत्य होता है, और यह भी पुरुषों द्वारा ही किया जाता है। तो अभी तक हमने जो चारों नृत्य जो हैं पढ़ रहे हैं, तो ये सभी पुरुषों द्वारा किए जाने वाले नृत्य हैं। इस नृत्य में प्रत्येक पुरुष चंग बजाते हुए वृत्ताकार नृत्य करते हैं। ठीक है, तो चंग बजा रहे हैं, कौन सा नृत्य है, चंग नृत्य। फिर घेरे के मध्य में एकत्रित होकर धमाल और होली के गीत गाते हैं। नेक्स्ट देखिए, डांडिया नृत्य। डांडिया, जैसा कि डांडिया लेकर नवरात्रों में जो डांस किया जाता है, नृत्य किया जाता है, वही डांडिया नृत्य कहलाता है। यह कहाँ का प्रसिद्ध है, मारवाड़ का प्रसिद्ध नृत्य है, जो कि होली के बाद किया जाता है। ठीक है, ये होली के बाद किया जाता है। 20-25 पुरुषों की एक टोली होती है, दोनों हाथों में डांडिया लेकर वृत्ताकार यानी गोल घेरे में ही ये लोग नृत्य करते हैं। मैदान में चौक के बीच में सहनाई और नगाड़े वाले तथा गवैये बैठते हैं। पुरुष लोक ख्याल और होली गीत लय में गाते हैं। इन गीतों में प्राय बडली के भैरव जी का गुणगान होता है। राजा, बजिया, साधु, शिवजी, रामचंद्र, कृष्ण, रानी, सिंधिन, सीता और विभिन्न प्रकार की वेशभूषाएं जो है यहाँ पहनी जाती है, और राजा का वेश मारवाड़ के प्राचीन नरेशों से मिलता जुलता होता है। ठीक है, तो बहुत ही सरल है डांडिया नृत्य को याद रखना। तो इससे पहले भी आप लोग नृत्य के बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, यही है वो नृत्य। तो यहाँ बिल्कुल भी आपको परेशानी नहीं हो रही होगी। एक तरीके से आप लोगों की यहाँ पर एक रिवीजन होती है, उसके बाद क्वेश्चन आंसर सीरीज में एक बार और रिवीजन हो जाती है। अगला है अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य जो कि जसनाती संप्रदाय, किसका कौन सा संप्रदाय, जसनाती संप्रदाय के प्रसिद्ध अग्नि नृत्य का उद्गम बीकानेर जिले के कतरियासर गांव में हुआ। इसके नर्तक जसनाती संप्रदाय के अनुयायी जाट सिद्ध कबीले के लोग हैं। इस नृत्य में केवल पुरुष भाग लेते हैं। ठीक है, अभी तक महिलाओं का कोई रोल नहीं है। जितने भी नृत्य पढ़े हैं हमने,
अंगारों के ढेर को धुआं कहते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन, क्योंकि ये लाइन जो है वो आप लोगों को बिल्कुल नई मिल रही है कि अग्नि नृत्य में जो अंगारों का ढेर होता है उसे क्या कहते हैं, धुआं कहते हैं। नर्तक गुरु के सामने नाचते हुए फतेह फतेह का नारा लगाते हैं और क्या करते हैं, उस अंगारों के ढेर में प्रवेश करते हैं। नर्तक अंगारों से मतीरा फोड़ना, हल जोतना आदि क्रियाएं सुंदर ढंग से प्रस्तुत करते हैं। आग के साथ राग और फाग का ऐसा अनूठा संगम अन्यत्र दुर्लभ है, यानी बहुत ही कठिन वो होता है, क्योंकि जो आग होते हैं उनके ढेर पर चलना जो है वह मुश्किल होता है। तो इस तरीके से ये अग्नि नृत्य किया जाता है जसनाती संप्रदाय के लोगों द्वारा बीकानेर में। नेक्स्ट है गुडला नृत्य। गुडला जोधपुर का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, यह केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। ठीक है, गैर नृत्य, गींदर नृत्य और हमने देखा चंग नृत्य, अग्नि नृत्य पुरुषों द्वारा किए जा रहे हैं। अब गुडला नृत्य जो है वो किसके द्वारा हो रहा है, महिलाओं के द्वारा। इस नृत्य में स्त्रियां सिर पर एक छिद्रित मटके में जलता दीपक रखकर नृत्य करती हैं। इस मटके को ही क्या कहते हैं, घोड़ला कहते हैं। नेक्स्ट है ढोल नृत्य। ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, जालौर का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। कौन सा, ढोल नृत्य। यह विवाह के अवसर पर माली, डोली, सरगना और भील जाति के पुरुषों द्वारा किया जाता है। इन व्यावसायिक नर्तकों को पहचान राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री जय नारायण व्यास ने दिलाई थी। पहले ये व्यावसायिक नृत्य नहीं था, लेकिन मुख्यमंत्री जय नारायण व्यास ने इसे क्या किया, व्यावसायिक नृत्य घोषित किया। इसमें एक साथ चार व पांच ढोल बजाए जाते हैं। ढोल का मुखिया इसे थाकना शैली में बजाना शुरू करता है। थाकना समाप्त तो होते ही कुछ पुरुष अपने मुंह में तलवार लेकर, कुछ हाथों में डंडे लेकर, कुछ भुजाओं में रूमाल लटकाकर और अन्य लयबद्ध नृत्य करना प्रारंभ करते हैं। तो ढोल नृत्य किसके द्वारा हो रहा है, पुरुषों के द्वारा हो रहा है। तो नृत्य के संबंध में आप लोग केवल ये याद रखिएगा कि कौन सा नृत्य जो है वो महिलाओं द्वारा किया जा रहा है और कौन सा नृत्य जो है वो स्त्री पुरुष दोनों ही मिलकर कर रहे हैं। इसके अलावा जो बच जाएं वो पुरुषों द्वारा किए जाने वाले नृत्य हैं, तो इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, क्योंकि कंफ्यूजन होता है कौन सा पुरुषों ने किया कौन सा महिलाओं ने किया। तो आप बिल्कुल एक चीज याद कर लीजिए, या तो ये याद कर लीजिए कि पुरुषों द्वारा किए जाने वाले सभी नृत्य, या फिर ये याद कर लीजिए कि स्त्रियों द्वारा किए जाने वाले नृत्य और जोड़ों में किए जाने वाले नृत्य। नेक्स्ट है बम नृत्य। बम ये बम्ब नहीं है, यह बम, ठीक है। बम नृत्य भरतपुर और अलवर क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह नृत्य पुरुषों द्वारा फागुन की मस्ती व नई फसल आने की खुशी में किया जाता है। जैसे ही फागुन में नई फसल आती है उसकी खुशी में क्या करते हैं, लोग वहां के नृत्य करते हैं। इसमें एक बड़े नगाड़े जिसको क्या कहते हैं, बम, तो बम जो है वो नगाड़े को कहा जाता है, उसके साथ नृत्य करते हैं, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा बम नृत्य। खड़े होकर दोनों हाथों में दो मोटे डंडे लेकर बजाया जाता है। तो आप लोगों ने भी देखा होगा कोई भी फंक्शन होता है तो इस तरीके का एक नगाड़ा होता है, दो डंडे से उसे बजाया जाता है, तो वही होता है बम नृत्य। नगाड़े के साथ थाली, चिमटा, ढोलक ये वाद्य यंत्र भी प्रयुक्त होते हैं। घूमर नृत्य जो कि राजस्थान का प्रसिद्ध नृत्य है, राज्य नृत्य, ये राज्य नृत्य है। इसके रूप में प्रसिद्ध घूमर मांगलिक अवसरों पर, पर्वों पर आदि पर महिलाओं द्वारा किया जाता है। लहंगे के घेर को जो वृत्ताकार रूप में फैलता है क्या कहते हैं, घूम कहते हैं। ठीक है, क्या याद रखना है कि जो लहंगे के घेर को जो वृत्ताकार रूप में फैलता है उसे घूम कहते हैं, और वही क्या है, घूमता है। इसमें ढोल, नगाड़ा, सहनाई आदि वाद्यों का प्रयोग होता है। इस नृत्य में बार बार घूमने के साथ हाथों का लचकदार संचालन प्रभावित करने वाला होता है। अगला है गरबा। गुजरात और राजस्थान की संस्कृति का समन्वय गरबा में दिखाई देता है। यह गरबा जो है कहाँ होता है, राजस्थान में भी और गुजरात में भी। डूंगरपुर और बांसवाड़ा में इस नृत्य को किया जाता है। यह नवरात्र में दुर्गा की आराधना में किया जाता है। तो जब नवरात्र होते हैं जब ही इसको किया जाता है। गरबा तीन रूपों में किया जाता है। प्रथम रूप में शक्ति की आराधना का, जिसमें स्त्रियां मिट्टी के छिद्रित घड़े में दीपक प्रज्वलित कर उसे सिर पर रखकर गोलाकार घूमती हुई नृत्य करती हैं। गरबा के दूसरे रूप रास नृत्य में राधा कृष्ण गोप गोपियों का प्रणय
चित्रित प्रस्तुत किया जाता है। तीसरे रूप में लोक जीवन से सौंदर्य को प्रकट करने वाले प्रसंगों यथा पणिहारी, नववधु की भावुकता, गृह कार्य में लीन स्त्रियों का चित्रण होता है। तो ये जो नृत्य है गरबा नृत्य, ये तीन रूपों में हो रहा है। पहले तो शक्ति की आराधना के रूप में हो रहा है, दूसरा राधा कृष्ण की जो रास नृत्य है उसके रूप में हो रहा है, और तीसरा जो है वह किसमें हो रहा है, लोक जीवन के सौंदर्य को प्रकट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है वालर नृत्य। स्त्री पुरुषों द्वारा किए जाने वाला वालर सिरोही क्षेत्र के गरासियों का प्रसिद्ध नृत्य है। तो गरासिया क्या है, एक जनजाति है। तो गरासिया जनजाति द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य है, कौन सा है, वालर नृत्य, जो कि युगल नृत्य है, स्त्री पुरुषों द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है बहुत, कि स्त्री पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है जो कि गरासी जनजाति द्वारा किया जाता है। आंसर क्या होगा, वालर नृत्य। इस धीमी गति के नृत्य में किसी वाद्य का प्रयोग नहीं होता है। यह नृत्य अर्धव्रत में किया जाता है, दो अर्धव्रतों में पुरुष बाहर वह महिलाएं अंदर होती हैं। नृत्य का प्रारंभ एक पुरुष हाथ में छाता या तलवार लेकर करता है। ठीक है, तो वालन नृत्य स्त्री पुरुष द्वारा किया जाता है, कहाँ किया जाता है, सिरोही क्षेत्र में किया जाता है। किस जनजाति द्वारा किया जाता है, गरासिया जनजाति द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है भवाई नृत्य। तो भवाई नृत्य जिसको चमत्कारिता के लिए भी जाना जाता है, राजस्थान के व्यवसायिक लोक नृत्य में भवाई अपनी नृत्य अदायगी, शारीरिक क्रियाओं के अद्भुत चमत्कार तथा लयकारी की विविधता के लिए अत्यधिक लोकप्रिय है। क्योंकि आप लोगों ने भी देखा होगा कई बार कि सर पर बहुत ही भारी सामान रखकर या मटकी वगैरह रखकर और नीचे जो है वो सुई उनके ऊपर चला जाता है, या फिर कुछ चुभन वाली चीजों पर या कांच के गिलास पर ही चला जाता है। तो इस तरीके का नृत्य जो है वह बहुत ही कहा जाए तो खतरनाक नृत्य भी है। तेज लय में विविध रंगों की पगड़ियों में हवा में कमल का फूल बनाना, सात आठ मटके सिर पर रखकर नृत्य करना, जमीन पर रखे रूमाल को मुंह से उठाना, गिलासों व थाली के किनारों तथा तेज तलवार और कांच के टुकड़ों पर नृत्य आदि इसकी विशेषता है। तो देखने में जो देखते हैं उनको तो यह बहुत ही सुंदर लगता है ये नृत्य, लेकिन बहुत ही खतरनाक नृत्य जो है वो लगता है। ऐसा मुझे लगता है कि जो भवाई नृत्य है और अग्नि नृत्य है ये दोनों ही डिफिकल्ट हैं। यह उदयपुर क्षेत्र में संकरिया, सूरदास, बोटी, डोकरी, पीकाजी और ढोला मारू नाच के रूप में प्रसिद्ध है। रूप सिंह शेखावत, दयाराम, तारा शर्मा इसके प्रमुख कलाकार हैं। भवाई नृत्य के कलाकारों को RBSC की बुक में बिल्कुल मेंशन किया हुआ है, याद रखिएगा, रूप सिंह शेखावत, दयाराम और तारा शर्मा भवाई नृत्य के प्रमुख कलाकार हैं। नेक्स्ट है तेरह ताली नृत्य। तो सभी जानते हैं कि कामण जाति के द्वारा किया जाता है तेरह ताली नृत्य, और किसके गुणगान में, बाबा रामदेव जी के यशोगान में किया जाता है। कामण स्त्रियां मेले व उत्सवों में तेरह ताली का प्रदर्शन करती हैं, पुरुष साथ में मंजीरा, तानपुरा, चौतारा बजाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पुरुष क्या बजा रहे हैं, मंजीरा बजा रहे हैं, तानपुरा बजा रहे हैं और चौतारा बजा रहे हैं। यह तेरह मंजीरों की सहायता से किया जाता है, इसीलिए नाम है तेरह ताली नृत्य। नौ मंजीरे दाएं पैर में और दो हाथों के दोनों ओर ऊपर कोहनी पर तथा एक एक दोनों हाथों में, हाथ वाले मंजीरे अन्य मंजीरों से टकराकर मधुर ध्वनि करते हैं। मांगी बाई जो है वो तेरह ताली नृत्य की प्रमुख नृत्यांगना है, और लक्ष्मण दास, ठीक है, आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा होगा लक्ष्मण दास के बारे में, तो मांगी बाई और लक्ष्मण दास तेरह ताली के प्रमुख नृत्यकार हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, पूछा जा सकता है मांगी बाई के साथ तेरह ताली नृत्य के प्रमुख नृत्यकार जो है वो और कौन है, लक्ष्मण दास। तो इस चीज को याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए, क्या आप जानते हैं, अब ये क्या आप जानते हैं, ये ही लाइन जो है वो आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी है। आप सभी को पता है कि कालबेलिया नृत्य को 2010 में यूनेस्को द्वारा अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया गया था। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आपके एग्जाम में आया है। तो कई बच्चे बोलते हैं कि क्या RBSC के बाहर हमें और कुछ भी पढ़ना है, जब आपके सारे क्वेश्चन यहाँ मिल रहे हैं तो आप दूसरी बुक्स को क्यों पढ़ेंगे। इस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है, गुलाबो, इन्होंने इसे देश विदेश में पहचान दिलाई।
अन्य नृत्यों में नेजा, रमणी, युद्ध नृत्य, हाथी मना, घूमरा आदि भीलों के नृत्य हैं। घूमर, गौड़, जवारा, मोरिया, लूर, कूद, मांदल आदि नृत्य गरासियों के द्वारा किए जा रहे हैं। इंडोनी, पणिहारी, बागड़िया, संकरिया, चक्री आदि कालबेलियों के नृत्य हैं। चरी, झूमर आदि गुर्जरों के, मछली नृत्य बंजारों के, चक्री धाकड़ कंजरों के, सिकार नृत्य सहरिया जनजाति के नृत्य हैं और मावलिया कथौड़ी जनजाति के नृत्य हैं। ये पूरा ही पैराग्राफ मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वो क्यों है? यहाँ पर जनजातियों के द्वारा किए जाने वाले नृत्य हैं। भीलों के द्वारा कौन से किए जा रहे हैं? नेजा, रमणी, युद्ध नृत्य, हाथी मना, घूमरा, ठीक है। और इसके अलावा गरासी जनजाति द्वारा हमने वालरा, घूमर, गौर, जवारा, मोरिया, लूर, कूद, मांदल, इसके अलावा कालबेलियों के द्वारा इंडोनी, पणिहारी, बांगड़िया, संकरिया, चक्री नृत्य, चरी, झूमर जो है वो गुर्जरों द्वारा, मछली नृत्य बंजारों द्वारा, सहरे जनजाति द्वारा, चक्री धाकड़, ठीक है, और इसके अलावा मावलिया कथौड़ी जनजाति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो चक्री धाकड़ कंजरों के द्वारा और शिकारी नृत्य सहरिया जनजातियों का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो आज हमने सभी प्रकार के लोक नृत्य जो है वो पढ़ लिए हैं, तो यहाँ से प्रश्न जो है वो बिल्कुल आएगा। नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे लोक नाट्य का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।